पेमेंट आएगी, पेमेंट ते जाके ना फिर इन्हू कुछ चीज़ा जी ना वो लिया के देवे, ड्राई फ्रूट कुछ चीज़ा लिया के देवे और बाकी भी कुछ इस तरह दिया ना ताकत वाली चीज़ा जी ना वो लिया के देवे। बाकी तुम मेरी गल समझ गए उसो कि मेरी गल कर जो ना मकसद की है ना है? है ना मैं वीडियो में भी लाजमी शेयर कर देव अगर मैं साढ़े कोई बाकी भैन भरा अगर उन्होंने भी इस तरह की प्रॉब्लम है जो नरमान रही अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार दी रहमतां बरकतां और निमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं जी। अलहमदुलिल्लाह नाश्ता साडा पक गया होया जी और बच्चे नाश्ता करदे पए ने, टाइम जिहड़ा है ना जी सिर्फ और सिर्फ इन्हां दे 15 मिनट रह गए ने। साडा नाश्ता जिहड़ा है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर उस टाइम ते आंदा पिया कि जिहड़ा अगे साढ़े 7 बजे हुंदा सी हुण साढ़े 8 बजे हुंदा। जल्दी करो तुहाडा टाइम जिहड़ा है ना बिल्कुल शार्ट है मेरे बेटे, जल्दी। और अजकल पैंदी जी त्रेल और फुल्लां दा हाल वेखो की होया पिया, तोड़ते हैं कोई नहीं, असी बिल्कुल इसे तरह लगे रहते हैं। जो ताजा ने बिल्कुल ठीक है, जो एक दिन पुराने ने ना उन्होंने हाल वेखो की हो गया। ओ मेरे हाथ च डिग पे सारे और निबू माशाल्लाह मेरे जड़े ने जी वह भी वे वे होए खड़े ने, चेक करो जी काफी ज्यादा माशाल्लाह लगे खड़े ने। और हाले छोटे 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 जड़े ना वह भी काफी सारे लगे हुए ने, पत्तियां जड़ी ना जी इतने पा दें खाद के काम आन गया, पानी लगेगा ना गल के बच्चे मिट्टी के रल जस। इस पौधे ना यह गुलाब का पौधा इथू पुट के ना मैं इतने लाया सी ते एक बारी बिल्कुल खुशक हो गया सी, लेकिन अलहमदुल्ला फिर दोबारा जरा ना चल पाया और पत्तियां वेखो छोटिया छोटिया जी निकल दया पे हूँ। हूँ इन्होंने ना होर कोई 15-20 दिन फुल लगना शुरू होएगा, हूने नाले इन्हें फुल हाले नहीं लगने। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर उन्हें मैं स्पैशल फोन करके बल्कि वीडियो कह रही थी कि मैं पोज की आ जिथे तेरा ये सीन आया ना उत्थे मैं वीडियो पोज की आ, पोज करके मैं तेन फोन कर दी पी हाँ और हूँ उस तो बाद बाकी वाली वीडियो मैं वेखागा। और फोन करके की दस उन्होंने कहा कि जो पौधे विखाए ना और इन्हों के पत्ते जड़े ना उत्तू कट ऑफ हो रहे हैं, इन्हों कैल्शियम की कमी है ना, मतलब कोई मिट्टी प्रॉब्लम है या थले सीवी वगैरह है या मिट्टी के अंदर मतलब मिट्टी कमजोर है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मतलब इन कैल्शियम के ना कमी है इन्होंने पौद्या कीड़ा जड़ा है ना इन्नी ज्यादा नहीं खाता, वो पत्ते थोड़े थोड़े खाता लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बुरा हाल होया है ना इस तरह कीड़ा खा के तो फिर वो फिर इतनी अद्धा खा के डिग पिया या मतलब 100 वादा घट आता। उन्होंने कहा जी इन्हें बेच हाँ जी कवे हैं उन्होंने आख्या जी ए तुसी दुध जड़ा ना और उदे विच उन्ना ही पानी मिला के अगर तुहाडे कोल अद्धा किलो दुध है ना तो अद्धा किलो विच पानी मिला के ना तो इन्हां दीआं जड़ां विच पाओ, जिस तरह असीं पानी नहीं पाउंदे आ इस तरह इन्हां दी जड़ां विच ओह दुध और पानी मिक्स करके जड़ा ना ओह पाओ और एक दो वारी तुसीं पाओगे ना तो उस तो बाद पौद्यां दी ग्रोथ भी वेख्या जी और उस तो बाद पत्ते छत्ते जड़े डिगदे पए ने या पीले हो रहे ने या कलर जड़ा ना इस तरह का रंग जड़ा ना आवे पत्ते कमजोर बिल्कुल कमजोर या हाथ लाओ ना तो पत्ता डिग जांदा तो ये भी जड़ा ना खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन भी हो जाएंगे और उसके अलावा ग्रोथ भी इन्हें जी ना वो तेज़ होएगी। तो मैं क्या मैं वीडियो में भी ये लाजमी शेयर कर देव अगर मैं साडे कोई बाकी भैन भरा अगर उन्होंने भी इस तरह की प्रॉब्लम है या उन्होंने लॉन गार्डन इस तरह की प्रॉब्लम है वो भी ये नुस्खा जड़ा है ना ये जरूर ट्राई कर लो। ये नहीं पता कि हुण ये अपना कोई काल है या तम्मा है या की चक्कर है, रोटी खाधी है ना ऐसा और बिलाल ने तो उन्होंने बर्तन वगैरह चुक चुक के ना वो माँ को फड़ाती भी जल्दी जल्दी समेटा समेटी तो लगी हुई है किधर जाना है। ओ भैया ऊल भूल स्कूल की आ गई है, ओ भैया ऊल भूल स्कूल इस तरह आ गई की आख्या जी ऐसा भी आ जाती है वह खड़ी हुई है माशाल्लाह जी। चल हुण रख चा कपड़ा उत्थे रख जिथे हुंदा है हाँ उत्थे रख पता लग जासी किवें रखनी है रख उत्थे मिंड मार ऐसे चल इससे आगे मैं कर लेता हूँ ऐसे चलो बारह जो निकलो बार अच्छा जी ओके अल्लाह फैजा आप नहीं जाना मेरे साथ चलो आप इधर बैठो फिर ऐसे मम्मा को अल्लाह हाफिज कर दो चलो शाबाश बेगम ने किया जी फोन के मूलियां जड़ियां ना ले आवी जिथों असी पिछले सीजन च लाइया सी मूलियां और हुण भी उत्थे शाही कोई नहीं है सारी मक्की मक्की जड़ी है ना बीजी हुई है
वो इधर आई कौन ना, उन्होंने पता ही कौन नहीं कि सब्जी है कि नहीं है। तो मैं कह भी चलो उन्होंने विखा भी देंगे भी इतने कोई चीज़ भी नहीं है इस टाइम, मूलियाँ छोड़ियाँ कोई नहीं है, उधरों बाजारों लियानिया पैनिया ने या फिर शहरों लभनिया ने। अलहमदुल्ला जी बच्चों स्कूल छड़ के वापस आ चुके हैं जी, और फोन करने हैं आप नाश्ता और इतने ही दे यार बेगो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ जा नाश्ता करना मेरे बेटे ने, इतने बह जा मेरे नाल। ऐसे ऐसे ठीक है, ओके ओके करो, गुड करो, ऐसे नाश्ता दे दे जनाब, असि इंतजार पे करने हैं। उई क्या हुआ, अलहमदुलिल्लाह जी नाश्ता मेरा आ चुका है जी, दही और पराठे, दही में चीनी मिला के खाना होना। तुसी किस तरह खाते हो दही, सुबह सुबह जरूर दसना, मैं तो चीनी ना ना मिलावा तो मेरे को नहीं खाधी जाती दही, पता नहीं क्यों आदत बन गई है या की चक्कर है, लेकिन मिठी होएगी दही तो खाधी जाएगी वरना नहीं कभी। आपने खानी रोटी मेरे साथ या आपने लॉलीपॉप खाना है अभी? वो आपकी रोटी आ गई, लो जी बिस्मिल्लाह, ये लो जी। अलहमदुल्ला नाश्ता कर लिया जी, हूँ अपने काम की तैयारी करता पा मैं, और बेगम साहबा जी है ना वो बांडे वगैरह सारे कुंज दी पी है जी। दुध आले को नहीं आया? चलो आ जाता वो, अजकल वैसे हुन दिन इन्ना ठंडे तो सुबह सुबह थोड़ा जो लेट निकलते ने घरों, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती। आ जाता है चलो, अज ग्यारहवीं तो नहीं, सुबह ग्यारहवीं है, अज फिर उनके कोल दूध थोड़ा जो डबल लै लो अज। नहीं अगर ज्यादा हो दुध तो फिर ले लिया जो तीन किलो दो ढाई तीन किलो ना भी बोतल भर के फ्रिज च रख दिया जाए ताकि कल अगर दुध ना भी हो तो फिर इनका जरा ना वो टाइम गुजर जाएगा। है भाई है भाई है भाई सारे जेडे अन्ना जी है साडे वेखण वाले कहंदे ने कि ए सफदर दी फोटो कापी है, ते तुसी भी जरूर वेख्या जी जेडे अज पहली दफा वेखदे पए ने कि वाकई ही इंजे। मैं जिस तरह बहना है ना इन्हें उसे तरह बहना वा, मैं जिवें दा काम करना इन्हें उसे तरह दा काम करना, मैं कुर्सी ते लाकर लत लत रख के बहना इन्हें भी उसे तरह बहना, ते घर दे विच मैं जिद्दे जिद्दे फिरदा वा ना मेरे पिछे पिछे इन्हें होना। फैजा किन्ना पुत्तर है? इधर इधर मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, इधर इधर किसकी बेटी है? अप्पा की, इंशाल्लाह ताला। इस तो आगे जड़ा ना कि ओ वेख जाई पौदा के रे क्लिप नहीं बनाना हुंदा। हाँ जी अलहमदुल्ला नाश्ता वगैरह सारा हो गया जी मुकम्मल करदा, बेगम साहब भी जड़ा ना सफाइयां सफुइयां करके वेली हो गई है तकरीबन, और हाले कुछ उन्हें कम हैं घर करने वाले, लेकिन मैं जा रहा वहां बाहर क्योंकि लेट काफ़ी होंगी पी है, कम अज कम 9:30 का टाइम जड़ा ना जी वो हो गया, और 12-1 बजे फिर वापस आना हों बच्चों स्कूलों लियाना हों, मतलब उत्थे जरा ना 2-3 घंटे काम जरा ना वो करना। अज असी फिनिशिंग वगैरह जी है ना उस दीवारों की करनी है भी ताकि जी ना सारिया दीवारा एक ही हो जावन, और उस तो बाद फिर कोशिश करा कि लॉन जरा बनाना है असी वो अज जी ना वो सारा सैटअप तैयार कर लीए जी अगर हो सकिया, तो क्योंकि मैं कला जरा करने वाला ना तो फिर धीरे धीरे मठा मठा हौली हौली स्लो स्लो जरा ना वो मैं करता पाया, तो बस हो जाएगा एक ना एक दिन जो हो जाएगा उस तो बाद प्रॉपर उद्दे वीडियो जी है ना अभी अपलोड करनी शुरू कर देंगे। हम जा रहे हैं जी और बेगम साहबा जरा ना ब्लॉग कंटिन्यू करेगी। हाँ जी अभी मेरे तरह हाथ करती भी है जिम्मे मैं ब्लॉग बना लगा हाथ मार इस तरह करता पा ना तो भी करती भी हो। हाँ जी क्या बात है जी क्या बात है, मैंने जी काम तो जाना पाया और बेगम साहबा ने आख्या कि मुरब्बा मैंने जरा ना थोड़ा जहा लिया के दे बारू रीढ़ का मुरब्बा जरा ना वो वाला, एक तो यदि तबीयत जी है ना कल की थोड़ी जी सही नहीं है, तो मैं इन्हें को पुछता पाया लेकिन इन्हें मैंने जरा ना दसिया कोई नहीं, तो हूँ इन्हें मैंने दसिया तो मैं पहले जरा ना मुरब्बा लेके आवा तो वो इन्हू लिया के देने और उस तो बाद फिर जावे शहर इंशाल्लाह जो पेमेंट आएगी पेमेंट से जाके ना फिर इन कुछ चीज़ा जी ना वो लिया के देवे ड्राई फ्रूट कुछ चीज़ा लिया के देवे और बाकी भी कुछ इस तरह दिन ताकत वाली चीज़ा जी ना वो लिया के देवे, बाकी तुम मेरी गल समझ गए उसो कि मेरी गल कर जरा ना मकसद की है ना है? है ना खुशखबरी है जी दुआ करो कि अल्लाह ताला जरा ना तोड़ चढ़ावे, पिछले साल भी साढ़ा जरा ना मसला बन गया सी और अद विचकार ही जरा ना मतलब बस नुकसान हो गया सी,
ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਔਰ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵਣ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਪੜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੇਟੇ ਔਰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਰਲਾਓ, ਜੋੜੀ ਰਲਾਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੋ ਵੀ ਵੇਖ, ਭਾਈ ਵੀ ਦੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਵਾਜ਼ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਮੁਰੱਬਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬੀ ਜੀ ਬਣੀ ਖੜੋਤੀ, ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਰਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਅਗਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾ ਬਰਤਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਫੇਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਚਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜੀ ਦੁੱਧ, ਉੱਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਹਲੇ ਵਾਰੇ ਸੇ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸਿੰਡਰ 'ਤੇ ਦੋ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਿਆਂਡੀ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੋ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਢਾਬ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਰਾਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 4-5 ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਰੱਬਾ, ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਰੀੜ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਦੋਵੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਕੁ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ 100-150 ਦੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ 4 ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਢੂੰਢ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਢੂੰਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋਏ
ते करांगे नहीं ते वरना बह के जड़ी ना वो गुजारांगे। और इधले जड़े मसाय जी उन्होंने भी डबल स्टोरी है और जो इधले मसाय ने वो भी बना रहे हैं जी डबल स्टोरी। पहला लेंटर उन्होंने साढ़े बराबर है वो सुबह उन्होंने सटन लग जानी और लेंटर जरा ना वो लग जाना है और इस उत्ते फिर उन्हें डबल स्टोरी करनी है और असी जो सी जी सिंगल स्टोरी और छत जी ना वो भी कोई नहीं। तो सारे बड़े बड़े दुआ कर दौ कि अल्लाह पाक करे छत जी जी सा भी पै जाए और डबल ना पवे लेकिन सिंगल तो जी ना वो पै जाए क्योंकि काफ़ी ना बुरा जो महसूस हो रहा है ये भी डबल स्टोरी ये भी डबल स्टोरी जो छत नहीं तो काफ़ी बुरा महसूस होता है और घटती लगती पी है। तो दुआ कर दौ कि अल्लाह पाक करे और कोई वसीला ऐसा बने ऐसा होवे साहब कि जल्दी जल्दी जरा जी लेंटर पै जाए और चैनल ने भी लाजमी सबसक्राइब कर दिया करो भी लाइक और शेयर भी कर दिया करो क्योंकि वीडियो जी जो जिमें ग्रो होगा जिमें चैनल ग्रो होगा उमें अल्लाह पाक जरा करेगा तो जरा सारे काम आसानी ने होंगे जाएंगे तो तुम लाजमी दुआ करनी है लेंटर जरा सा पै जाए। ब्लॉगर साहब जिस तरह मैं वीडियो बना रही ना उस तरह ही ना वो ब्लॉगर साहब वीडियो बना रहे ये क्या हो रहा है वीडियो बन रही है वो चलो ये भी छोटा ब्लॉगर जो सा ना ये अच्छी अच्छी वीडियो बनावेगा इंशाल्लाह। ये देखे कैमरे तो उन्हें किया मोबाइल ने और अपना लगी हुई बनाने वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी टाइम जो रेस्ट की तकरीबन 10:30-11 बजे जो बैठे हैं टाइम हो जाए जी टाइम हो गया जी 12 का हूँ ना नाल जी लड़की आई है तो वह दे गई है जी कपड़ा कपड़े का क्या कराना किसी बने ने जी तकीए तो उन्हें आख्या भी मैंने अंदाजा लग दौ कि कितने बनते हैं ऐ कपड़े लेने जी लेके आईए है तो पुरानी चादर इन्हें कह रहे कि थले बना देवे क्योंकि इन्हें बड़ी जागी रूह और इस माप तो बनाने ने उत्ते वास्ते जी इन्हें चादर लेके आई तो मैं इन्होंने सवार के ना धो के तो फिर लेके आओ थोड़ा बहुत ना वो मैला सी कपड़ा तो मैं मशीन के थले देना होंगे नाल तो फिर नाल जो ना उनके अगे ना कपड़े ना आसानी ना चलता नहीं मैं तुम इन्हें धो के इस्तरी मार के फिर लेके आना और उतना तक मैं थोड़े ना इन्हों कट के पता करनी है कि ये थोड़े कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते हैं।